आज हम बात करने जा रहे हैं कि एक ऑफिस हेड का व्यवहार बॉस की तरह बॉसेज में शो करते हुए होना चाहिए या फिर एक बड़े भाई की तरह ब्रदरली अफेक्शन के साथ। ध्यान देने योग्य जो बिंदु है वो ये है कि किसी भी काम को लेकर के किसी ऑफिस को क्यों सेट किया जाता है। किसी भी ऑफिस को किसी काम के लिए इसलिए सेट किया जाता है कि उस ऑफिस की प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम हो। तो उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे मैक्सिमम होगी? जब उस ऑफिस में काम करने वाला ह्यूमन रिसोर्स या फिर ऑफिशियल्स अपने मैक्सिमम पोटेंशियल के साथ वर्क करेंगे। वो कैसे अपने मैक्सिमम पोटेंशियल के साथ वर्क करेंगे, मैं यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। मैं अपने डिपार्टमेंट में एक डिस्ट्रिक्ट हेड के रूप में वर्क करता हूँ। जो मुझसे भी सुपीरियर अथॉरिटीज़ हैं, मेरे भी जो हेड्स हैं, आज तक जो भी मैं नौकरी करता रहा उसमें जो मेरे हेड रहे या मुझसे सुपीरियर अथॉरिटी रही, मेरी अपेक्षाएं उनको लेकर के क्या थीं, जिससे कि मैं अपना मैक्सिमम पोटेंशियल पर वर्क करके उनको मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी दे सकूं। जब मेरे सीनियर या मेरे हेड इस प्रकार के मुझे मिले जो कि मेरे मुझे लगता था कि मेरे बड़े भाई जैसे हैं, बड़े केयरिंग नेचर के हैं, वो हमेशा मुझे इस तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे मैं उनका छोटा भाई होऊंगा, तो मेरे दिल से उनके लिए पॉजिटिव वाइब्स निकलती थी और दिल के अंदर से गहराइयों से ऐसा मन करता था कि मैं पूरी जान लगा दूं काम करने में। वो चाहे मुझे कभी भी कॉल करें, कैसा भी काम दें, तो उनकी एक रेस्पेक्ट मेरे दिल में ऐसी थी, एक पॉजिटिव जगह मेरे दिल में ऐसी बन गई थी कि मेरे सीनियर हैं, एक बहुत अच्छे डेजिग्नेशन पे हैं, उसके बावजूद ये कितने केयरिंग, कितने अंडरस्टैंडिंग नेचर के हैं, कभी भी ये ऐसे फील नहीं करते हैं कि ये कोई किसी अलग ग्रह से आए हुए प्राणी हैं और अपने को एक बहुत ही बड़ा बॉस के तौर पर, बॉस जो एक वर्ड है, वो अपने आप को इस तरीके के बॉस के पर्यायवाची में सम्मिलित नहीं कर रहे हैं और हमेशा एक बड़े भाई की भूमिका निभाते हैं। तो वो अंदर से मेरी पॉजिटिविटी बन के आ जाती थी जिससे लगता था कि मैं उनके लिए, उनके रेस्पेक्ट के लिए, उनके नाम के लिए, कहीं पर भी उनका नाम नीचा ना हो, मैं अपने ऑफिस की प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमम करूं, तो मैं अपने मैक्सिमम पोटेंशियल के साथ काम करता था। इससे क्या होता था कि काम अच्छा होता था और मैं हमेशा इस बात के लिए तरसता रहता था कि वो मुझे जो है शाबाश शाबाश मेरे भाई, बहुत ही बढ़िया काम किया तुमने, इस चीज़ के लिए तरसता था। इन्हीं दौरान मुझे कुछ ऐसे भी हेड्स मिले जो मेरे सुपीरियर अथॉरिटीज़ थे, जिनके अंदर बॉस कहें हम, एक बॉसेज में शो करने वाली चीज़ें थी, तो उनके लिए जो मेरे अंदर फीलिंग्स जनरेट होती थी वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जब ऐसे लोग आए बॉस के वे में काम करने वाले, कुछ नेगेटिविटी सी अंदर आती थी, ऐसा लगता था कि ये सामने वाले जो मेरे हेड हैं वो अपने को किसी अलग ग्रह से आए हुआ प्राणी समझ रहे हैं, मुझे बहुत ही निम्न सा समझते हुए और अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हुए मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं। तो दिल के अंदर से एक जो रेस्पेक्ट थी वो नहीं आ पाती थी। ऐसे लगता था कि फिर जो इन्होंने मुझे काम दिया है, चलो मेरी नौकरी है, मेरी ड्यूटी है, मुझे निभाना है, तो एक निभाने के तौर पर मैं उसको कर देता था। एक ऐसा शायद अंदर से कुछ भी, क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, हम मशीन नहीं है कि बटन दबाया और जितना उसका पोटेंशियल है वो बटन दबाते ही उसका काम होने लगा। हमारे अंदर सेंटिमेंट्स हैं, इमोशंस हैं, वो सारी चीज़ें हमारे पोटेंशियल को अफेक्ट करती हैं। तो जब वो बॉस वाली एक्टिविटी के संग मेरे संग जो भी मेरे हेड्स ऐसे मिले, उस समय एक नेगेटिविटी अंदर से आती थी, तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल से मैं समझता हूँ मैं काम नहीं कर पा रहा होता था, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि ठीक है जो काम है उसको निभा लो, कर लो। और कभी कभी तो अगर किसी बॉस ने ऐसा भी रिएक्ट कर दिया जो बहुत ही टेढ़ा सा था, जिसमें लग रहा था कि ये बॉस तो अपने को भगवान समझने लगे हैं, तो उस समय तो फिर मन ऐसे होता था जा करवा ले जो करवाना है। तो गाइज,
जब मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे जो सुपीरियर हैं या मेरे जो हेड के तौर पे, ऑफिस हेड के तौर पे रहे आज तक, वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करें तो मैं ऐसा बेहतरीन काम करके दूंगा, या फिर वो नेगेटिव एक बॉस के रूप में काम कर रहे हैं तो उनके साथ मैं किस प्रकार से व्यवहार करूंगा। तो वही चीज़ जब मैं ऑफिस हेड के रूप में एक्ट करता हूँ तो फॉलो करता हूँ। जैसे कि शेयर करना चाहूँगा, मैं जब भी मेरी पोस्टिंग किसी नई जगह पर होती है, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ और पहला इंट्रैक्शन मेरे जब स्टाफ से, मेरे सबॉर्डिनेट से होता है, तो मैं उनके साथ पहली मीटिंग में बैठ करके उनको अपना इंट्रोडक्शन देते हुए जो बात कहता हूँ वो ये होती है, मेरे अंदर की फीलिंग्स होती है जो मैं उनको कहता हूँ, मैं सीधे उन लोगों से ये बोलता हूँ कि देखिए, हो सकता है कि आप लोगों में कुछ लोग ऐसे हों जो उम्र में मुझसे बड़े हों और कुछ मुझसे छोटे भी होंगे। मुझे ये लगता है जब मैं नौकरी कर रहा हूँ तो नौकरी करते समय मुझे जो आज आपके ऑफिस हेड के रूप में दायित्व मिला है, ये दायित्व मुझे लगता है कि मैं आप लोगों का भले ही उम्र में किसी से छोटा भी हूँ, लेकिन मुझे एक बड़े भाई का दायित्व दिया है। जिस प्रकार से एक परिवार में बड़ा भाई होता है, वैसे ही मेरा दायित्व एक बड़े भाई के समान है और आप लोग मेरे छोटे भाई हैं। तो जो भी चीज़ हम करेंगे, हम सारा एक परिवार है। हो सकता है आप सभी लोग कोई बहुत दूर से आया हो, कोई किसी की अपनी फैमिली यहाँ पर नहीं हो, मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो हम लोग बड़ी दूर दूर से आकर के अपने दायित्वों का निर्वहन करने यहाँ पर पोस्टेड हैं, अपने कामों को कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसा ना समझे कि उसका परिवार उससे दूर है, हम सब एक दूसरे का परिवार है। अपनी लाइफ को खुशी खुशी जीना है और उसी के साथ में हमने अपने दायित्वों का भी निर्वहन करना है। तो मैं एक बड़े भाई के तौर पर हमेशा आप लोगों के साथ रहूँगा। कहीं पर किसी को दुख तकलीफ होती है, मुझसे जो होगा मैं आपका सहयोग करूँगा, साथ ही हम सब मिल करके एक दूसरे का सहयोग करेंगे। और आप लोगों से मेरी ये अपेक्षा होगी कि आप एक छोटे भाई की तरह मुझे बड़ा भाई समझते हुए सम्मान दें और मेरा सहयोग करें। जिसके भी किसी के मन में अभी तक कोई कटु भावना रही है एक दूसरे के लिए, कृपया करके मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि वे सभी लोग एक दूसरे के मन के लिए जो भी उन्होंने भावना रखी थी उस भावना को निकाल दें। आज से हमारे ऑफिस का एनवायरनमेंट चेंज होगा, हम लोग एक परिवार की तरह एक बंधुत्व की भावना के साथ काम करेंगे, मिलजुल के काम करेंगे। कोई भी कितना भी बड़ा दायित्व आएगा, किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किसी को ऐसा लगता है कि ये काम इस तरीके से हो सकता है तो बिना किसी हेजिटेशन के आप लोग मुझसे शेयर करें, हम सब बैठ के उस समस्या पर डिस्कशन करेंगे और जो भी अच्छा निष्कर्ष या आउटपुट निकल के आएगा उसको सारे मिलके फॉलोअप करेंगे। तो गाइज, मुझे इसका रिजल्ट मिलता है, मैं जहां भी रहा मेरी टीम इतनी मजबूत हो गई। मैं चाहे उनको दिन में कॉल करूं, चाहे रात को कॉल करूं, या फिर मैं उन्हें कितने भी बड़े से बड़े काम के लिए कह दूं, वे बड़ी खुशी खुशी तैयार रहते हैं और एनर्जी के साथ काम करते हैं। मैं पहले भी जहां रहा, मैं आज भी जहां रहा, आई एम वेरी लकी टचवुड कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी टीम हमेशा मेरे संग बहुत ही बेहतरीन तरीके से रही। और जहां भी मैं रहा और अभी भी, वी आर ग्रोइंग डे बाई डे। उसकी वजह सिर्फ ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम सब एक परिवार हैं और जब परिवार की तरह काम करते हैं तो हमारा पोटेंशियल मैक्सिमम होकर के आता है, क्योंकि हम खुशी खुशी काम कर रहे होते हैं। हमारे पास एक मेंटल प्रेशर नहीं होता है, भले ही दायित्व तो बहुत बड़ा मिल जाए, लेकिन जब हम खुशी खुशी काम करते हैं तो हमारी एफिशिएंसी दुगनी हो जाती है, हमारा पोटेंशियल बीट करता है अपने मैक्सिमम लेवल को। तो हम जब अच्छा करना चाहते हैं, और हमारी लाइफ का भी है कि हम अपने परिवार को खुश रखना चाहते हैं, खुद को खुश रखना चाहते हैं, और जो भी काम दिया गया उसको पूरी मन से करना चाहते हैं, तो वो ऐसे होगा जब हमारे ऑफिस का वर्क कल्चर एक फैमिली की तरह होगा। और वो तभी हो सकता है, जितने भी ऑफिस हेड हैं, मैं उनको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि अपने अंदर बॉस की तरह बॉसिज्म ना लाएं, एक भाई की तरह बंधुत्व की भावना लाएं और फिर देखें क्या रिजल्ट निकलता है। नमस्कार।